गलत कर दे, कितना भी बंदा स्मार्ट हो, फोटो में थोड़ी ना दिख रहा है कितना एक्टिव है, कितना क्वालिफिकेशन है, क्या वो सारी चीजें छोड़ के आप सिंगल फोटो मेरे से मांग रहे हो। मैं बोला चलो ये भी हो सकता है, शायद कुछ हो। हमने फोटो आगे सेंड किया, कुछ अच्छे लोगों का फोटो वापस आया हमें, 47 फोटो भेजा तो 14 फोटो हमें मिला कि हाँ इन बंदों को हम ले लेंगे। तो मैं समझ में नहीं, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन भी है ना, आप क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे हो, बंदे का एक्सपीरियंस नहीं देख रहे हो, एजुकेशन नहीं देख रहे हो, ये सारी चीजें छोड़ के आप फोटो वाइज सिलेक्शन कर रहे हो। तो फोटो वाइज सिलेक्शन सिर्फ उनका किया जा रहा है जो मॉल में लीडिंग फेज में होंगे। लीडिंग इन द सेंस की जो चीजें आप डील कर रहे हो, किसी कस्टमर को आप डील कर रहे हो, तो ऐसे लोगों का ही लुक वाइज सिलेक्शन लिया जा रहा है। अदरवाइज जो बैकग्राउंड में रहेंगे लाइक इंजीनियर्स ऑल्सो ओवर देयर, दे लुक बैड ऑल्सो, वो भी चल जाएगा। वेदर इलेक्ट्रिशियन, उनको फेस नहीं करना है किसी को, वो भी चल जाएंगे। और जो हमारे क्लीनर हैं उनको भी किसी को जल्दी फेस नहीं करना है, तो वो भी बच जाएंगे। उनका एक टाइम में 100% सिलेक्शन है, लेकिन इन पोस्ट को मिला के टोटल 20 पोस्ट है। 20 लोग चाहिए, इसमें 40 लोग अप्लाई कर दिए, मतलब उसमें से भी मुझे निकालना पड़ेगा कुछ लोगों को जिनका होगा। मतलब हमें तो बोला गया 20 ऐसे बंदे हो जिनका 100% सिलेक्शन आपको करवाना है, जो क्लीनर की पोस्ट है, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, उसमें 100% करवाना। तो 20 ऐसे लोग हो जिनका सिलेक्शन हम करवा रहे हैं, तो उसमें 40 से 50 लोग। इसमें क्लीनर के लिए कौन कौन है, आप बता सकते हैं कोई क्लीनर वाला? वेल्डर आल्सो, रेज योर हैंड, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ओके फाइन। तो यार ये सब मिला मिला के 20 लोग, 10 तो यहीं पे दिखा दिया मैंने, टोटल 20 लोग का क्राइटेरिया। तो मतलब कि एक 100% शॉर्ट ही रहेगी इनके लिए कि ये सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी अगर कॉम्पिटिशन आ गया, 20 मुझे दिया गया है, 20 लोग ही दो, उससे ज्यादा मत दो। अगर ये फेक होता तो मैं 40 देना, तो बंदा 40 एक्सेप्ट करता ना। अगर किसी को लूटना ही होता तो 47 फोटो मैंने भेजा, 14 फोटो का सिलेक्शन हुआ है वहां पे, तो ये सारे फोटो को सिलेक्ट कर देते ना, समझ रहे हो? किसी को रिजेक्शन क्यों नहीं हुआ? रिजेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है वहां पे। बहुत से लोगों को मन में क्वेश्चन है सर इतनी सैलरी मिलती है क्या? हमारे इंडिया में आपने सुना है 2 लाख 4 लाख 10 लाख सैलरी, किसी का सुना है? शायद अगर आप अच्छी कंपनी में जाओ, एक अच्छे स्तर पे देखो, तो लेवल वाइज आपको दिखेगा कोई ऐसा नहीं होगा जो 3 लाख 4 लाख भी अर्निंग कर रहा है। सर मैं बता दूं, दुबई में मैंने फाइंड आउट किया है 40,000-50,000 दिरहम में सैलरी मिलती है लोगों को, इतनी सैलरी मिलती है। और बताते हैं लोग वहां के जो लोकैलिटी वाले होते हैं उनको ही इतनी बड़ी सैलरी मिल पाती है, 4,000-5,000 डॉलर। लोगों को लग रहा है कि ऐसा, एक तो मैंने मेरे खिलाफ एक वीडियो देखी जिसमें बोला पासी के पास 8 करोड़ रुपए हैं, उसमें से 1 करोड़ रुपया पासी सैलरी पे खर्चा है। अबे इतना पागल है आप, मतलब लोगों को सैलरी फुकट में बांट के आप दे रहे हो? तो मेरी रेपुटेशन जो गिरी है किसने गिरी? किसी का पैसा लिया मैं तब गिरी ना? 1 करोड़ सैलरी में बांटने से अच्छा उसको रिफंड कर दूंगा मैं, 10 लाख में काम हो जाएगा मेरा। अजीब अजीब तरह की वीडियोस बना रहे लोग। अच्छा किसी ने देखा है मेरे खिलाफ वीडियो? हाथ उठा सकते हो मेरे खिलाफ अगर किसी ने वीडियो देखा है? तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के ब्रेन में होंगे, क्वेश्चनिंग कैसे इसको हैंडल की जाए। आई डोंट हैव एनी सिस्टम, मैं एक साथ तो सबको नहीं, एक एक करके सबका मन का क्वेश्चन दूर करेंगे, ठीक है? एटलीस्ट एक एक करके मैं उठाऊंगा कैंडिडेट्स को, आपके मन में जो क्वेश्चन रहेगा वहीं पे आप पूरा फाइनल करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर दे दूंगा। एक बंदे ने जो क्वेश्चन पूछ लिया, आप लोग सब लोग सुनना है ध्यान से उसका आंसर, वो क्वेश्चन आपसे रिपीट नहीं होना चाहिए अगर आपके ब्रेन में क्वेश्चन है तो, ठीक है? अगर आपके पास क्योंकि 4 बंदे पूछ लिए क्वेश्चन, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबके ब्रेन का जो क्वेश्चन है वो दूर हो जाएगा। दैट्स इट। तो हम ये थोड़ा